नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी आग, मची चीख पुकार, ऐसे बची बच्चों की जान। हल्द्वानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त वाहन में दर्जनों बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे थे। चालक परिचालक और लोगों की मदद से बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। देहरादून ज्वेलरी लूटकांड, 20 करोड़ की डकैती का पायलट अरेस्ट, मुठभेड़ में लगी गोली, अब तक 8 गिरफ्तारियां। एसटीएफ और देहरादून पुलिस को रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से डकैती के आरोपी और 2 लाख के इनामी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के देहरादून में हथियार रिकवरी के लिए ले जाते समय विक्रम ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस पर पुलिस की गोली से वो घायल हो गया। पौड़ी मोर्चे में रखे शव को चूहों ने कुतरा, भड़के परिजन, अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। पौड़ी जिला अस्पताल में मोर्चे में रखे शव को चूहों ने बुरी तरीके से कुतर डाला, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो गया। वहीं इस घटना के बाद परिजन भड़के हुए हैं। परिजनों ने मामले में उच्च अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्रीनगर में कबाड़ से भरा ट्रक पलटा, 3 गंभीर रूप से घायल। श्रीनगर में कबाड़ से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने बेस अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना में घायल तीनों लोग नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 70 दिन से लापता इकलौते बेटे का इंतजार कर रहे माँ बाप पुलिस को दी आत्महत्या की चेतावनी। हनुमंतपुरम गंगानगर निवासी एक युवक पिछले 70 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। युवक के माँ बाप ने चेतावनी दी है कि अगर उनका इकलौता बेटा जल्द घर वापस नहीं लौटा तो वह आत्महत्या कर लेंगे। वित्तीय स्वीकृति न मिलने से लटका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण, अधिकारी कर रहे शासन से स्वीकृति का इंतजार। उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को वित्तीय स्वीकृति न मिलने से लटक गया है। उत्तरकाशी DFO DP बलूनी का कहना है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र के लिए बजट उपलब्ध है, लेकिन शासन की ओर से वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि बजट मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। श्रीनगर में सफेद हाथी बना रोडवेज का नया बस डिपो, 1 साल से लटका है ताला, जाने कारण। श्रीनगर के रोडवेज बस डिपो पर 1 साल से ताला लटका है। आलमिया के बस डिपो सफेद हाथी बनकर रह गया है। कर्मचारी भी टीन शेड के कमरे के अंदर काम करने को मजबूर हैं। श्रीनगर में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना, हजारों की नकदी पर किया हाथ साफ। पौड़ी जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनमें खाकी वर्दी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, जिससे आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बीते दिनों चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। दरअसल चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। वही सूचना मिलने के बाद दुकान स्वामियों ने घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। एंटी खालिस्तानी आतंकवादी फ्रंट के अध्यक्ष मंड ने हर की पैड़ी में चलाया स्वच्छता अभियान, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हरिद्वार के हर की पैड़ी में अंतर्राष्ट्रीय एंटी खालिस्तानी आतंकवादी फ्रंट के राष्ट्र अध्यक्ष सिमरन सिंह मंड ने आज सफाई अभियान चलाया। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई। उत्तराखंड के सरकारी विभागों की पिक एंड चूज पॉलिसी बने सिरदर्द, नियम कानून में एकरूपता की दिख रही कमी। उत्तराखंड में कर्मचारियों को लेकर विभागों की पिक एंड चूज पॉलिसी न केवल कर्मचारी बल्कि सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गई है। स्थिति यह है कि इसके कारण आउटसोर्स पर आने वाले कर्मचारियों को लेकर नियमों में एकरूपता नहीं लाई जा पा रही है। उधर इन हालातों में जहां कुछ कर्मचारी खूब फायदा ले रहे हैं, तो वहीं कुछ कर्मचारियों को नियमों का हवाला देकर उनकी मांगे ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया क्या हुआ घटना की रात, बयान हुए दर्ज। अंकिता भंडारी हत्याकांड के जांच अधिकारी ने कोटद्वार कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। अधिकारी ने कोर्ट में अपने लिखित में बयान दर्ज करते हुए बताया कि घटना वाली रात को क्या हुआ था। कोर्ट ने अधिकारी को अगली सुनवाई पर भी उपस्थित होने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी को दी श्रद्धांजलि, हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन सिंह रावत गांववासी का शुक्रवार को निधन हो गया था। आज उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया गया। इससे पहले सीएम धामी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहन सिंह गांववासी के निधन के शोक में हरिद्वार जिले के सभी सरकारी कार्यालय आज बंद रहे। रुद्रप्रयाग में तूना मोठा मोटरमार्ग हादसों को दे रहा दावत, जिम्मेदार नहीं ले रही। रुद्रप्रयाग में तूना मोठा मोटरमार्ग की खस्ता हाल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो हादसों को दावा दे रहे हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। पौड़ी के धनाव गांव में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी का आरोप, डीएम ने अफसरों से मांगा जवाब। पौड़ी जिले में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में खराब पाइप लगाकर गड़बड़ी की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर पौड़ी के DM ने संबंधित विभाग के अफसरों से जवाब मांगा है।
एक स्थान जहां दैवीय शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी। नए उत्तराखंड के अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना की बात हो रही थी। मैं पहले उत्तराखंड आया था, तब मैंने सीएम धामी से पूछा था कि आपने क्या लक्ष्य रखा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 लाख करोड़ का। लेकिन आज 3.5 लाख के MOU हो गए हैं, जिसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कहा कि आज का यह समारोह 3.5 लाख के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत की है। प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, 3 नए मेडिकल कॉलेज, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार। उत्तराखंड में 10 नए निजी विश्वविद्यालय और 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यह कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा नए स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए सरकार सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। देहरादून प्रतिष्ठित 10 दून स्कूल में बालिकाओं के लिए एडमिशन भी हो सकते हैं शुरू, को एजुकेशन पर विचार। देश के सबसे प्रतिष्ठित लड़कों के बोर्डिंग द दून स्कूल में बालिकाओं के लिए भी एडमिशन हो सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित वैश्विक निवेशन सम्मेलन में पहुंचे स्कूल के चेयरमैन अनूप सिंह बिश्नोई ने अमर उजाला से बातचीत में यह बात कही। देहरादून CAU से क्रिकेट खेलने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य, बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को झटका। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के टीम से क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को अब मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, इसके बिना कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। यह फैसला बृहस्पतिवार को CAU की एक्सपेक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया। IMA POP 2023, देश को आज मिली 343 अफसरों की फौज, श्रीलंका के CDS ने ली परेड की सलामी। भारतीय सेना अकादमी ने आज 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के CDS जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली। न्यायमूर्ति धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट के चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के मामले में दर्ज याचिका पर सुनवाई की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है। देहरादून स्थायी पंजीकरण के बिना दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेगा जुर्माना, आदेश जारी। प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण जिन MBBS डॉक्टरों ने बिना स्थायी पंजीकरण के दूसरे राज्यों में पंजीकरण कराया है, उनसे 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने आदेश जारी किए हैं। PM मोदी को भाई, उत्तराखंड के इस खास इत्र और परफ्यूम की खुशबू ले गए साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिमोर से बने इत्र और परफ्यूम की खुशबू भा गई। वैश्विक निवेशन सम्मेलन में लगी उत्तराखंड के कई स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान सुगंध पौध केंद्र सेलाकुई की ओर से प्रधानमंत्री को तिमोर का इत्र और परफ्यूम भेंट किया गया। हरिद्वार, ऑनलाइन ACR नहीं भरने पर पड़ा भारी, 136 पुलिस कर्मियों का वेतन रोका, कप्तान ने की कार्रवाई। ऑनलाइन ACR न भरना जनपद भर के 136 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। SSP परमेंद्र सिंह ढोबाल ने ACR न भरने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। सभी का दिसंबर माह का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।